So guys, today we will discuss NTA NEET test 13. Now, question number 1 of biology section. Spindle fibers are made up of option kya kya diya hua hai ji? Protein, cellulose, lipids or pectin. Answer will be proteins. Now, proteins mein bhi kaun sa agar aap log bata pao to ji jaldi se batayega kaun sa protein? Microtubule se rehta hai aur microtubule mein kaun sa protein rehta hai? Tubulin. Yaad rakh lijiyega tubulin. Chaliye aage badhte hain next question ki taraf ji. Okay. Now, question number 2. Which of the following type of RNA molecule can be described as soluble, relatively small and having a folded compact shape? Folded compact shape बोल दिया गया. I guess जब ये जो folded और compact shape बोल दिया गया ना, यहीं पे आपको दिमाग लग जाएगा. याद रख दीजिए कि answer होगा tRNA. चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ. Okay. Now plant nomenclature. Plant nomenclature means जो nomenclature का तो meaning नामकरण होता है. So guys इसमें answer क्या हो जाता है? आप लोग खुद समझ सकते हो. तो क्या हो जाता है नॉमेनक्लेचर ऑफ प्लांट अंडर द इंटरनेशनल रूल्स. चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बोल्टिंग. भैया बोल्टिंग के लिए तो वेरी इजी लाइन आई गेस आपको समझ आ रहा होगा इंटरनोडल इलॉन्गेशन. आंसर क्या हो जाता है जी जल्दी से बता दीजिए. जिब्रेलिन बोल्टिंग के लिए हार्मोन. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ओके नाउ ए पॉलीपेप्टाइड ऑफ 5 अमीनो एसिड इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द करेक्ट पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड. चलिए बताइए इसमें आपको करेक्ट पॉलीपेप्टाइड चूज करना है. वेरी इजी क्वेश्चन यार. ओके क्या हो सकता है देखो सबसे पहले क्या आना चाहिए. सबसे पहला अगर आपको 5 पॉलीपेप्टाइड का बोला है ना तो आंख बंद करके आपको सबसे पहले क्या लगाना चाहिए मेथियोनिन लगाना चाहिए है ना. वहीं से तो गेम हो गया आई गेस. वहीं से गेम हो गया आई गेस आपको समझ आ रहा होगा. स्टार्टिंग अमाइनो एसिड वही AUG. तो आंसर विल बी नंबर बी. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से. ओके विच इज ट्रू फॉर साइनोबैक्टीरिया. साइनोबैक्टीरिया ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी. तो गाइस उनका आंसर क्या हो जाता है दे आर ऑक्सीजेनिक विद नाइट्रोजनेस. ये वाला याद रहेगा दे आर ऑक्सीजेनिक फोटो ऑटोट्रॉप्स याद रख लीजिएगा. और बहुत सारे क्या होते हैं बहुत सारे जो ये तुम्हारे साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करते हैं. ये वाला लाइन याद रख लेने का. ओके ना उसमें होता क्या है ये जो इनके पास जो हेट्रोसिस्ट होता है ना हेट्रोसिस्ट होता है उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एंजाइम नाइट्रोजनेस रहता है याद रख लीजिएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टू डिटरमाइन वेदर F1 हाइब्रिड इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर ए पर्टिकुलर ट्रेट. ओके डैश क्रॉस इज परफॉर्म. आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा कौन सा क्रॉस परफॉर्म किया जाता है टेस्ट क्रॉस. वेरी इजी F1 हाइब्रिड चेक करना है टेस्ट क्रॉस. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और इसमें कौन से पेरेंट के साथ क्रॉस किया जाता है आप कमेंट में बता सकते हो. चलिए आगे बढ़ते हैं. ये हाउ मेनी पिगमेंट मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट ए सिंगल फोटो सिस्टम. पिगमेंट मॉलिक्यूल बोला देखिए यहाँ पे पिगमेंट मॉलिक्यूल बोला तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा. हर एक फोटो सिस्टम में 250 से 400 पिगमेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वाला याद रखिएगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. एंटीहिस्टामिन आर टू नलीफाई. एंटीहिस्टामिन क्या करते हैं एलर्जी में जब हिस्टामिन रिलीज होते हैं उनको नलीफाई करते हैं. ओके याद रखिएगा बेसिकली. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ. ओके सेल स्वेल्स अप व्हेन कैप्ट इन. देखो सेल है ना जो अगर आप उसको कैसे सोल्यूशन में रखोगे जब वो नॉर्मल है तो स्वेल अप हो जाएगा. अब क्या हो जाता है अगर मैं आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने बोलू कि सेल स्वेल कैसे करेगा. सेल के अंदर जब वाटर जाएगा का पॉसिबिलिटी है जब सेल का खुद का वाटर पोटेंशियल कम होगा और बाहर का वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा. तो सेल को कैसे में रखा जाएगा जल्दी से बताइए. आई गेस आपको दिमाग लग रहा होगा हाइपोटोनिक सोल्यूशन. सेल अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखा हुआ है कि ओके बाहर पानी ज्यादा है सोल्यूशन कम है मतलब प्योरिटी ज्यादा पानी की तो पानी क्या करेगा अंदर जाना चाहेगा फ्रॉम हायर वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल लो है ना. आई गेस क्लियर हो गया होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. स्फेनॉइड बोन. अरे भैया स्फेनॉइड बोन किसका होता है जी कल का है ना याद आ रहा है. स्फेनॉइड कितने हमारे बॉडी में एक ही है यार याद रख लेना भूलना नहीं. चलो आगे बढ़ते हैं. वन ऑफ द फ्री लिविंग क्या क्वेश्चन बोला गया है जी. ओके आइए ये वन ऑफ द फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर. तो क्या हो जाता है जी फ्री लिविंग एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर इज रोडोस्पिरुलम. रोडोस्पिरुलम याद रख लीजिएगा ये वाला लाइन को. ओके 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 क्योंकि आपको रोडोस्पिरुलम बोला है राइजोबियम नहीं. ओके चलिए. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज नॉट सेफ टू प्रिपेयर कैरी बैग. कैरी बैग बनाने के लिए क्या चीज सेफ नहीं है ऑब्वियसली पॉलीथिन ना. पॉल्यूशन इतना हो रहा है फिर भी आप पॉलीथिन नहीं ना. ओके राइबोसोम. आरआरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड. आरआरएनए कहां पे बनता है जी. आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा आरआरएनए कहां बनता है. ठीक है नहीं आ रहा तो लिख लीजिएगा जी. राइबोसोम आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस इससे रिलेटेड आपको एक टर्म याद आ रहा होगा सेकेंडरी ये वाला सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन देन एनओआर नॉर रीजन. चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. In the Krebs cycle, the conversion of oxalosuccinate into the alpha-ketoglutarate. Oxalosuccinate को alpha-ketoglutarate में convert करना है ना तो कौन सा reaction होगा. आप खुद सोचिए यार oxaloacetate है
उसको आप अल्फा कीटोग्लुटारेट, तो इसमें क्या काम करना पड़ेगा आपको बताइए, खुद ही सोचिए, ऑक्सैलोसक्सीनेट है तो अल्टीमेटली आपको अल्फा कीटोग्लुटारेट बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा भैया, वेरी इजी लाइन, क्या करना है, कार्बन को कम करना है ना, तो क्या करोगे, डीकार्बोक्सिलेशन करोगे, करोगे ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए नेक्स्ट करेंगे आज, डन। सम ऑफ द स्टेजेस हाइड्रार्क, हाइड्रार्क सक्सेशन में आपको स्टेज दिया उसको मैच करना है सीक्वेंशियली ना, आज हम मैच करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाता, सबसे पहले क्या हो जाता, वही है ना, सबसे पहले बताना आपको सबसे पहले क्या हो जाता, चलिए देखते हैं इसमें लिखा है। ओके, तो सबसे पहले क्या, फाइटोप्लांकटन होता है, जैसे हम लोग अगर जेरार्क में पढ़ते हैं तो वहां लाइकेन लाते हैं, यहाँ फाइटोप्लांकटन लाते हैं, तो नंबर फोर होता है, ये हो सकता था नहीं तो ये हो सकता था। ओके चलो आ जाओ, ओके ओके और कुछ देखें क्या, ओके और कुछ देखें क्या, क्वेश्चन ये वाला को देखते हैं, ये वाला कुछ क्लियर हुआ, अब देखते हैं फोर के बाद क्या हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन ध्यान से देखिएगा, उसके बाद कौन सी स्टेज आना चाहिए, सबमर्ज प्लांट स्टेज आना चाहिए ना, आना चाहिए तो ओके चलिए बताइए, सबमर्ज आना चाहिए, आई गेस आना चाहिए, कौन सा सबमर्ज आना चाहिए बताइएगा, रूटेड सबमर्ज, देन उसके बाद फ्री फ्लोटिंग सबमर्ज, देन रीड स्वाम्प, देन तुम्हारा मीडो, बोलते हैं ना मीडो हम लोग पढ़ते हैं, देन उसके बाद वुडलैंड या फिर फॉरेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आंसर विल बी नंबर ए, आई गेस समझ आ गया हो, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ यार। म्यूल, म्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ डैश, म्यूल इज एन एग्जांपल ऑफ इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, याद रहेगा इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज यूज्ड फॉर क्लीविंग द डीएनए मॉलिक्यूल, डीएनए को क्लीव करना है तो ऑब्वियसली आप क्या यूज करोगे, एक सर्टेन लोकेशन पे करोगे ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यूज करोगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द केमिकल मेथड ऑफ, केमिकल बोल दिया, केमिकल ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, केमिकल मेथड बोल दिया, केमिकल्स क्या क्या चीज में होते हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे केमिकल मेथड में क्या क्या हो सकते हैं, जेली हो सकते हैं, जैसे हम लोग पढ़ते हैं जेली पढ़ते हैं क्रीम पढ़ते हैं, तो अगर जेली लिख लिया क्रीम लिख लिया तो ऑब्वियसली आप डी पे मारना चाहोगे, ऑब्वियसली डी पे मारना चाहोगे, ठीक है, क्यों, जब आप बोलोगे नहीं सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल उसमें भी तो केमिकल्स ही रहते हैं ना अल्टीमेटली, ओके याद रहेगा। ओके चलिए अब ये वाला का थोड़ा सा कंसेप्ट लेते हैं कि भैया स्पर्मिसाइड एक है ना नॉन ऑक्सिनॉल लाइन, याद रख लीजिएगा नॉन ऑक्सिनॉल लाइन, लिख लीजिए नॉन ऑक्सिनॉल नाइन, ये वेरी इंपॉर्टेंट स्पर्मिसाइड है, और इसका एनटीए ने खुद एक लाइन लिखा है कि इट ऑल्सो किल्स द एड्स वायरस एंड डिक्रीजेस द इंसिडेंस ऑफ क्लैमाइडिया एंड गोनोरिया, ओके याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फोटोसिंथेसिस, और बताइए इसमें क्या करेक्ट है, इसमें क्या करता है, ये देखते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मैंगनीज इज द मेटल एंड मैंगनीज देता मैग्नीशियम था, तो ये तो गलत है, तो फोर को पहले काट दो यार, फोर को काट दो, यहाँ से कट गया फोर बेचारा, अब बच्चा चलिए आइए देखते हैं, ये कट गया थ्री नंबर, द रिडक्शन ऑफ एनएडीपी प्लस टू एनएडीपीएच अकर्स इन द केल्विन साइकिल, ये तो उल्टा कर दिया, अरे ये क्या होता है, कहाँ पे होता है, लाइट फेज में होता ना जी, लाइट फेज में बनता है ना, तो ये गलत था, ये गलत था, तो वन और टू आई गेस, देखो थ्री अगर एलिमिनेट हो गया ना तो बचा क्या, यही बचा, देखो ये होता है तुक्का मारने का टेक्निक। चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉलोइंग ट्यूब एट द टाइम ऑफ एंटरिंग एम्ब्रायो सैक हैज डैश, फॉलोइंग ट्यूब के पास क्या होते हैं जी, टू मेल गैमेट होंगे ना, टू मेल गैमेट, यार पढ़ा है ना आपने 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पोलन इज पार्टली इन सीटू एंड पार्टली एक्स सीटू, तो चलिए आंसर विल बी नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, नी एंड एल्बो जॉइंट, नी और एल्बो जॉइंट कैसा टाइप का जॉइंट है जी, आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा, क्या आइडिया है, हिंज जॉइंट है वो, हिंज है, याद रखिएगा। Now, read the following statement and choose the correct option. Okay. So, guys, ये वाले पे भैया आपको choose the correct बोला है ना, Agrobacterium tumefaciens बोला है, Agrobacterium tumefaciens. ठीक है, थोड़ा सा notice करना पड़ेगा, थोड़ा सा कि Agrobacterium tumefaciens is the pathogen of several monocot plant. Monocot plant, is it so? बताइए तो dicot में था ना वो, तो one क्या हो जाता है यार, one तो incorrect होता। ओके चलिए अब देखते हैं सेकंड नंबर क्या लिखा है जी, सेकंड वाला स्टेटमेंट, द टीआई प्लाज्मिड ऑफ द एग्रोबैक्टीरियम टीमीफेसियंस हैज बीन मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर विद नो मोर पैथोजेनिक टू प्लांट, ऑब्वियसली ना फिर वो पैथोजेनिसिटी खत्म हो गई, याद आया ये वाला एक्सपेरिमेंट, ओके नहीं आया तो मैं इसके भी वीडियो दे दूंगा आपको जिससे आप सीख पाओ। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रोजन, अल्टीमेटली आपको क्या करना है, नाइट्रेट से नाइट्रोजन पे जाना है ना, तो क्या करो, डीनाइट्रिफिकेशन कर रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से, क्वेश्चन नंबर 25, ओके क्वेश्चन नंबर 25 क्या लिखा हुआ है आपके पास, इन ए मैन रेसेसिव कैरेक्टर लाइक हीमोफीलिया आर मेनली ट्रांसमिटेड थ्रू, भाई रेसेसिव कैरेक्टर जैसे बोल दिया ना, हीमोफीलिया कहां से होता है, एक्स क्रोमोसोम ही होता है,
ओके एक्स क्रोमोसोम होता है ना, याद है सेक्स लिंक्ड है ना, तो रिसेसिव डिजीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन है सर्टोली सेल आर रेगुलेटेड बाय द पिट्यूटरी हार्मोन। देखो आपको याद करने का तरीका बता दे रहा हूं। एल फॉर होता है एल, एल फॉर एल, एल फॉर लेडिक सेल, तो एल एच रेगुलेट लेडिक सेल, और जो बच्चा वो बच्चा लोग वो संभालेगा एफ एस एच फॉर सर्टोली सेल, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन द बायो जोग्राफिक रीजन ऑफ इन इंडिया हैविंग मैक्सिमम एंडिविज्म फॉर एम्फीबियन, भाई ये तो एनसीईआरटी का लाइन है कि वेस्टर्न घाट हैज मोर एम्फीबियन स्पीसीज देन तुम्हारा ये क्या बोलते हैं ईस्टर्न घाट, आई गेस याद होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से ना। ओके बायोस्फीयर रिजर्व आर डिफरेंट फ्रॉम नेशनल पार्क्स एज, बायोस्फीयर रिजर्व में क्या कहानी आती है बताइए तो जी, एज क्या चलता है बताइए। ह्यूमन एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व, याद है बायोस्फीयर रिजर्व जोनिंग की गई है, बायोस्फीयर रिजर्व में जोनिंग की गई है कि कोर वाला जो जोन होता है ना, कोर मतलब सेंटर, खाली उसमें ह्यूमन एक्टिविटी अलाउ नहीं है, बाकी धीरे धीरे याद आ रहा होगा बफर ट्रांजिशन याद आ रहा होगा। तो आंसर विल बी नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29। द केमोथेरेपी, द केमोथेरेपिक सब्सटेंस डिराइव फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैज इनहिबिटरी इफेक्ट ऑन द पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डैश, क्या हो जाता है एंटीबायोटिक हो जाता है ना बेसिकली। अरे भैया जो दवाई वाई खाते हो एंटीबायोटिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइलोट इज एन एडेप्टेशन, सारी दवाई एंटीबायोटिक नहीं होती, दिमाग लगाना थोड़ा सा। पाइलोट इज एन एडेप्टेशन, पाइलोट याद है किसमें मिलता है पाइलोट, आई गेस आपको याद आ रहा होगा किसमें, ऑस्ट्रेलिया काशिया याद आ रहा होगा, जैसे दिमाग में आया होगा। तो क्या हो जाता है ये जेरोफाइटिक के लिए है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनालाइज भैया ब्रैक्टिएट दिया हुआ है, उसके बाद क्या पेरियांत आपको दिख रहा है, जैसे आपको पेरियांत दिखा के दिमाग में एक चीज क्लिक करना चाहिए फैमिली लिलियसी, लिलियसी क्लिक करनी चाहिए, और एलियम सीपा इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, और एस्पेरेगस, तो आंसर हो जाता नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से, ठीक है आ जाओ। ये वाला क्वेश्चन आया ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व इंपल्स एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ डैश। ओके एक्शन पोटेंशियल क्यों हो जाता है, एन ए प्लस इन अंदर घुसता है ना बाहर से, एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलर में आता है एन ए प्लस, याद रहेगा नंबर बी। चलिए नेक्स्ट कहते हैं द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ द एनिमल बॉडी, हार्डेस्ट पार्ट बोल दिया पार्ट, आंसर होता है एनामेल। ओके जी चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई इंसुलिन, भाई इंसुलिन कोरल दोगे तो इंसुलिन क्या पेप्टाइड है ना, पेप्टाइड है मतलब पॉलीपेप्टाइड है, वो क्या हो जाएगा ब्रेक डाउन हो जाएगा, जैसे ही स्टमक में गया ब्रेक डाउन हो गया तो फिर भैया वो कोई काम का है क्या, कोई काम का है क्या, कोई काम का नहीं है, याद रख लीजिएगा नंबर डी विल बी द आंसर। भाई ये सब क्वेश्चन अच्छे लगते हैं थोड़े थोड़े से पढ़ने में, लाइक ये करवाया हुआ एक बार आया था। आइए नेक्स्ट, भैया इसके लिए तो एक लाइक बनता है, आप एक बार में स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते आप इस पूरे का, बट आई ट्राइड मैंने लिया। चलिए आइए बिलो द गिवन डायग्राम, यहाँ पे टेक्निक दिया हुआ है आप ध्यान से देखिएगा ये क्या क्या चीज के लिए, एकदम एकदम प्यारा प्यारा एनसीईआरटी, क्यूक्यूम्बर लेटुस और टोमेटो याद आ रहा है, और कैसा क्यूक्यूम्बर सीडलेस क्यूक्यूम्बर याद आ रहा होगा आई गेस, और क्या बताऊं भाई आपको बताओ। क्वेश्चन नंबर आ गए हम 36 पे, गाइस अभी तक 10 मिनट हुआ है आई गेस, 12 मिनट का वीडियो हो गया होगा और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 36 पे आ चुके हैं। चलिए आइए ये वाला क्वेश्चन की तरफ करते हैं। ये कैसा सेल दिख रहा है आप पहले बताइए, तो आप ध्यान से देखिएगा ये कैसा सेल आपको दिख रहा है आप खुद बताइए, थोड़ा सा नॉलेज लगाने का कि लंबे लंबे टॉल दिख रहे हैं टॉल, उस पे सिलिया दिख रहा है तो सिलिएटेड कॉलमनर दिख रहे हैं, सिलिएटेड कॉलमनर कहाँ पे होते हैं आप लोग अगर पढ़े हो तो ब्रोंकियोल्स में पढ़े हो, और कहाँ पे पढ़े हो जी फेलोपियन ट्यूब में पढ़े हो, पढ़े हो ना जी, तो आंसर क्या हो जाता आप खुद बताइए, आंसर विल बी नंबर सी याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 ईसीजी में आपसे पूछा गया है इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है इसमें, ओके चलिए इसमें करेक्ट, ओके इसमें करेक्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है ईसीजी में पूछा गया आपसे है ना, यही पूछा है। आ जाइए एस, एस बोल दिया स्टार्ट ऑफ सिस्टोल, और क्या लिख दिया जी टी इज इक्वल टू एंड ऑफ डायस्टोल, पी इज इक्वल टू डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्री, आर इज इक्वल टू रीपोलराइजेशन ऑफ द वेंट्रिकल। चलिए याद करवा देते हैं, पी इज इक्वल टू डीपोलराइजेशन ऑफ द एट्री, याद आ रहा है वो ग्राफ आई गेस सबको याद आ रहा होगा, मैं उस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। ओके पी क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स बोलते हैं और टी वेव याद आ रहा है, पी तो डिपोलराइजेशन ऑफ द एट्रिया होता है ना याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यहाँ पे कॉकरोच का डायग्राम दे दिया गया है भैया, वेरी इजी आई गेस आप मार्क कर सकते हो इसको अगर आप हल्का सा नोटिस कर दो तो, कि भैया जो नंबर ए को क्या मार्क किया गया है, नंबर ए पे एक स्मॉल एक ग्लैंड है दिख रहा होगा आई गेस आपको, यस वो दिखते ही हो गया काम, क्या वो दिखते काम हो गया, वो दिखते काम हो गया, हाँ भाई सौरभ भाई नोटिस कर लिया, कर लिया आइए नोटिस कर लिया, तो उसको क्या बोलते हैं फैलिक ग्लैंड बोलते हैं, फैलिक बोलते हैं, अभी तो फंसोगे ना अभी फंसोगे। ओके अभी यहाँ पे फिर क्या होता है फैलिक के बाद वास डिफरेंस इजैकुलेटरी डक्ट और एनल सरसाई, एनल सरसाई यही होता है, थोड़ा मार्किंग आपको अगर दिमाग में नहीं रहा तो
तो प्रॉब्लम हो जाएगी कि एनल सर्कस किसको बोलते हैं, सरसाई। चलिए आइए, तो आंसर क्या हो जाता गाइस, आंसर विल बी नंबर बी। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन आ गया, जॉलेस फिश विच लेज एग्स इन द फ्रेश वाटर हुज लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन। जॉलेस बोल दिया, याद रखिएगा ये क्या होता है, लैम्प्रे। आप लोग पढ़े हो लैम्प्रे के बारे में, लैम्प्रे माइग्रेटरी मरीन फिश है जो क्या करती है जी, जो एनाड्रोमस माइग्रेशन दिखाती है। अभी एनाड्रोमस और आपके आई गेस आपको याद नहीं आ रहा होगा एनाड्रोमस ये सब क्या होता है, ठीक है, ट्राई करेंगे हम कभी एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करने का। ओके सो गाइस याद रखिएगा, आप लोगों के लिए एक नई सीरीज आ रही है, मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब चैनल स्क्रोल किए तो फिर मेरे को भी पता चला कि सेल्फ असेसमेंट टेस्ट आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से मैं डाल सकता हूँ, ट्राई कर सकता हूँ एक बढ़िया। तो गाइस आंसर इसमें क्या होता था, लैम्प्रे मतलब पेट्रोमाइसन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एफरेंट क्या करता है, एफरेंट बताइएगा गाइस, एफरेंट क्या करता है। ओके एफरेंट क्या कर देता है जी, थोड़ा सा देखिए, फ्रॉम भैया देखो, फ्रॉम मतलब अगर मेरे को आपको मान मेरे को पड़ा एक ऐसे किसी ने थप्पड़ मारा चट से, तो क्या कर दिया, ये एफरेंट लेके जाएगा दर्द के लिए, लेके जाएगा ना सीएनएस पे, लेके जाएगा रिसेप्टर से सीएनएस के पास लेके जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू, वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, थोड़ा लोड लेने में टाइम लग रहा है। वाटर पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, साई एस प्लस साई पी बोलते हो ना, याद आ रहा है तो यस। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये जो ऑर्गेनिज्म है ना, ये ऑर्गेनिज्म शोन इन द गिवन डायग्राम, ये जो ऑर्गेनिज्म है इस डायग्राम में क्या दिख रहा है, इसमें पेरेंट और डॉटर कॉलोनी दिख रही है, वेरी इजी लाइन आई गेस सबको पता है, वॉलवर्क्स होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिख रहा है आपको गाइस, जल्दी से बताएं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एसटीडी इज नॉट कंप्लीटली क्यूरेबल। ओके तो भाई इसके लिए क्या याद रखने का मैं बता दूं, इसके लिए आपको एक चीज याद रखना है, ट्रिपल एच याद रख लेना, कहानी खत्म, बहुत इजी लाइन है। एचआईवी, हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्पिस, लवली। अगर मजा आया तो एक लाइक ठोकने का जी जल्दी से। चलिए द लार्जेस्ट लैंड डायनासोर, या सबको पता है 20 फीट हाइट की टिरानोसॉरस या टीरेक्स बोलते हैं, साइनेप्टोनॉमल कॉम्प्लेक्स। देखो इसको याद करने का सबसे इजी तरीका बताऊं, एस और जेड को उल्टा कर देना, एस और जेड, तो आंसर विल बी नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाई कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस फॉर मैन, क्योंकि उसकी एफिनिटी आई गेस ज्यादा थी, कुछ ऐसी कहानी थी याद आ रहा है। ओके हेमोग्लोबिन कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, यस लवली लाइन। चलिए आंसर हो जाता है ये, ऑर्गेनिज्म दैट कैन टॉलरेट इन द एंड थ्राइव। देखो बहुत ज्यादा मतलब वैरायटी है ना, तो फिर उसमें क्या बोल सकते हो, जैसे बोला टेम्परेचर मतलब क्या हो गया, यूरीथर्मल, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेगा। ओके और स्टीनोथर्मल बोलता है तो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम कैंसर इज ट्रीटेड विद रेडियोथेरेपी, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज यूज्ड इन दिस ट्रीटमेंट। ओके रेडियोथेरेपी से ट्रीट किया गया, तो फिर क्या हो गया, उसमें क्या कर दिया गया, ट्यूमर सेल को डैमेज किया गया ना रेडिएशन के कारण। ओके रेडिएशन के कारण उनको डैमेज कर दिया गया, कहानी खत्म। चलिए आगे बढ़े क्या, आ जाइए, एन एग्जाम्पल ऑफ जीन थेरेपी इज, जीन थेरेपी का एग्जाम्पल क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा हुआ है जीन थेरेपी के बारे में। आई गेस सबको समझ आ रहा होगा कि क्या कर सकते हैं, एक भी एग्जाम्पल हम लोग पढ़े हैं जीन थेरेपी का, स्किड के बारे में, जैसी स्किड दिखा तो आप आंसर मार सकते हो यार। देखो ये तो स्पीड खेलने का तरीका, यहाँ स्किड देखा कि जीन आपको डालना है एडीए का, याद आ रहा है ना एडीए का जीन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 50 करते हैं हम जल्दी से। मजा वाला चीज, चलिए ये क्या होता है। ओके हिसारडेल के बारे में क्या बोला गया था, इनकरेक्ट आपको खोजना है ना, ये था कि अगर आप हिसारडेल क्या शीप की वैरायटी थी तो मिल्च ब्रीड कहाँ से आ गया, गलत लाइन है ना। चलिए यही वाला तो गलत होता है, आंसर यही हो जाता। चलिए आगे बढ़े ग्रेव्स, अब आगे क्वेश्चन सर जी, ग्रेव डिजीज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग एक्सेप्ट। चलिए आइए देखते हैं क्या हो जाता, इसमें वेट गेन नहीं होता, वेट लॉस होता है। कैसे वेट लॉस होता है, क्योंकि देखो आपका थायराइड हार्मोन का ज्यादा हो गया ना, थायराइड हार्मोन ज्यादा हो गए तो क्या हो गया, बीएमआर बढ़ गया तो ऑब्वियसली ना, तो वेट क्या हो जाएगा, वेट कम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग क्या लिखा है, इज कॉम्प्लेक्स 5 ऑफ द ईटीएस, कॉम्प्लेक्स 5 किसको बोलते हैं, एटीपी सिंथेस, याद आ रहा होगा, इसको फर्नांडिस पार्टिकल्स वाला कहानी से जोड़ सकते हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके विच कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस इज सूटेबल फॉर फूड राइपनिंग, आई गेस आपको सबको आइडिया है क्या करना है, आपको बताइए, इथाइलिन यूज करना है, इथाइलिन यूज करना है और कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से। ओके नाउ क्वेश्चन क्या आ गया जी, जल्दी से देखते हैं एक बार। हाँ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या लिखा गया, मैचिंग पेयर ऑफ द सर्टेन ऑर्गेनिज्म एंड द काइंड ऑफ एसोसिएशन। ओके वेरी इजी है, सी ओके करेक्ट ही पूछा है ना, करेक्ट पूछा है, तो गाइज आप पहला स्टेटमेंट पढ़ के बता पाओगे कि सी एनीमून और क्लाउन फिश,
जिसमें जिसमें किसको फायदा हो जाता है, लिखा हुआ एनसीईआरटी का लाइन आएगा, सबको आइडिया आ रहा होगा कि एनीमोन को कोई फायदा नहीं होता बट क्लाउनफिश बच जाती है अपने प्रेडेटर से। आंसर विल बी नंबर, ये देख के बता दे अब इसमें गलती क्या, आप आई गेस निकाल सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। चलिए ओके, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन द क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल को अगर आपको याद रखना तो चीट कोड याद रख लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे, है ना। चलिए आप वही बोलते हैं ना, ओके चीट कोड्स याद रखिएगा। कैसे याद रखोगे, चीट कोड्स बता दे क्या, अभी बता दे क्या, टेलीग्राम पे आ जाइए, बता दूंगा टेलीग्राम पे उसको समझा दूंगा। ये बहुत लोगों को आता भी है यार, किसी को आता है तो प्रदर्शन करने नहीं बोला हूँ आपको, आप बस अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए। आंसर क्या होता था, ओके पहले आइसोसिट्रिक एसिड दिख रहा है, ऑक्सैलोसक्सिनेट और क्या अल्फा कीटोग्लुटारिक, है ना। जैसे हम बोलते हैं कि देखो अगर मैं एक छोटा सा बताऊं कि ठीक है चाइना, देखो लिख लो चाइना इन्वेडेड, ओके चाइना इन्वेडेड अदर अदर किंगडम्स, ठीक है किंगडम लिख रहा ना, तो यहां तक तो मिल गया। उसके बाद और क्या लिखोगे, ये अब बताओ अल्फा कीटो ग्लूटारिक के बाद क्या आना चाहिए, आप खुद बता दो अल्फा कीटो ग्लूटारिक के बाद क्या आ सकता है। अरे वेरी इजी है यार, आप अगर नहीं बताओगे तो कौन बताएगा, बताओ अल्फा कीटो ग्लूटारिक आ गया उसके बाद क्या आना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाने का कि हाँ भाई अल्फा कीटो ग्लूटारिक आ गया अब क्या बन सकता है अल्फा कीटो ग्लूटारिक के बाद, सक्सिन, ओके याद आया सक्सिनिल कोए, सक्सिनिल कोए तो अदर किंगडम सर्चिंग, देखो सर्चिंग सक्सिनिल कोए के बाद क्या आ सकता है आप खुद बता दो, आप खुद बता दो थोड़ा सा दिमाग लगाने का कि हाँ भाई सक्सिनिल कोए बना सर्चिंग फॉर ऑरेंजेस, आई गेस आप तुक्का लगा सकते हो, ये होता है तुक्का, यहाँ फ्यूमारिक एसिड दिखेगा फिर मैलिक एसिड, ओके फिर क्या हो जाएगा, ओके यही बात है ना थोड़ा सा दिमाग लगाने का। ये आपको पूरा ट्रिक है ना, पूरा ट्रिक आपको दे दूंगा, आई गेस बहुत लोगों को याद होगा उसको बता दूंगा, डोंट वरी। चलिए करेगा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ द स्पर्मियोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस बोल दिया, इन्वॉल्व ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। स्पर्मियोजेनेसिस का मीनिंग क्या हो रहा था जी, आई गेस पता होगा क्या होता है उसमें, उसमें होता है स्पर्मियोजेनेसिस मैच्योरेशन की तरफ जा रहा है, आई गेस समझ पा रहे हो कि भैया उसमें मोटाइल स्पर्म बनाना पड़ेगा ना, नॉन मोटाइल स्पर्माटिड से मोटाइल स्पर्म बनाना पड़ेगा, ओके याद रख लीजिएगा। तो इसमें कोई शॉर्टनिंग ऑफ स्पर्म नहीं होता, तो आंसर ये गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब वही होता है आंसर। What is common between vegetative propagation and apomixis? मतलब obviously ना ये progeny identical होगी parent से, पहला line ये, क्योंकि apomixis भी तो without mixing of gamete होता है ना, और vegetative में भी वही कहानी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं next question की तरफ। Question number 58. Protist को क्या बोलते हैं? Unicellular eukaryote बोलते हैं ना? Unicellular eukaryote बोलते हैं। ये सबको दिमाग में लग रहा होगा। तो unicellular eukaryote, autotroph, heterotroph दोनों ही हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आगे बढ़ते हैं, which of the following आर सरफेस स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल बट डज नॉट फैसिलिटेट मोटिलिटी। ये क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है, ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर फेम्ब्रिया और पिली सेक्स पिली हो जाती है, आई गेस आपको आइडिया आ रहा होगा, दैट विल बी नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से, करेंगे आ जाइए। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ बैक्टीरिया वर यूज्ड ड्यूरिंग इन द ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। ग्रिफिथ का ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट, आई गेस आपको याद नहीं है तो लिख लीजिएगा, ठीक है क्या हो जाता उसमें, उसमें ग्रिफिथ ने क्या यूज किया था ट्रांसफॉर्मेशन के समय, उसको न्यूमोकॉकस भी बोल सकते हो या स्ट्रेप्टोकॉकस न्यूमोनी भी बोल सकते हो, ठीक है। बस उसमें एक चीज याद रखना पड़ेगा आपको कि भैया रफ कौन सा यूज किया था और ये ओके R2 और S3 बोलते हैं, R2 और S3 मैंने तो ऐसे याद कर दिया, R2 S3, ठीक है S3 कैसे याद हो जाएगा, आई गेस आपको आइडिया आएगा क्या याद करना है क्या S3, अरे हम लोग याद है हम लोग MBBS सीरीज एक थी डाइस मीडिया की, उसमें S3 पढ़ते हैं कि एनाटॉमी से एनाटॉमी में स्मेल वो सबको रोकने के लिए वो लोग पीते थे S3, याद है कैंटीन में, तो S3 वहां से याद रख लेने का। चलिए अगर किसी को याद है वो स्टोरी तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 61, रीड द डिफरेंट कंपोनेंट फ्रॉम 1 to 4 एंड करेक्ट ऑर्डर बताइए। वेरी इजी है, करेक्ट ऑर्डर कहाँ से बताना है, देखो फ्रॉम आउटर साइड टू द इनर साइड। चलिए आइए बताते हैं सबसे बाहर की तरफ क्या हो सकता है, तो सबसे बाहर अगर मैं हल्का सा दिमाग लगाता हूँ जस्ट हल्का सा, ओके ये वाला मैं, आप खुद सोचिए क्या हो सकता है भाई, आपको क्या बोला अंदर से बाहर क्या, आउटसाइड सबसे बाहर क्या हो सकता है, दिमाग लगाइए जल्दी से, फेलम हो सकता है, उसके बाद अंदर क्या हो जाता, उसके अंदर क्या हो जाता अगर मैं आपको बताऊँ, देखो बाहर से हम लोग कैसे लेयर पढ़ते थे, फेलम पढ़ते हैं, फेलोजेन पढ़ते हैं, फेलोडर्म पढ़ते हैं, फेलोडर्म को ही क्या बोलते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स बोलते हैं, तो ऑब्वियसली पहले आ जाता तुम्हारा फेलम, देन क्या आ जाता सेकेंडरी कॉर्टेक्स आ जाता, तो आंसर क्या 4-1, और उसके बाद क्या हो जाता, उसके बाद खुद बताइए वुड को सेकेंडरी जाइलम बोलते हैं, तो उससे पहले क्या सेकेंडरी फ्लोएम आता, तो नंबर 3 होता फिर 2 होता। चलिए आगे आंसर मिल गया नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, ये एनसीईआरटी का ड्रॉइंग है जी जल्दी से बताइए ये वाला, ओके ये कैसा दिख रहा है, रेडियल अरेंजमेंट R for R मतलब रूट्स में मिलता है, रेडियल रूट्स में मिलता है,
याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ ओके क्वेश्चन नंबर 63, करेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट बताइए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के लिए। द वर्ड पोल्ट्री ऑफन ओके यूज टू डिस्क्राइब रेफर टू द मीट ऑफ ओनली बर्ड्स, ये लिखा है। और क्या लिखा है जी, चलिए देखते हैं। द टिपिकल दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक्स एंड समटाइम टर्की एंड गीस, ये भी सही बात है। ओके ओके लेगहॉर्न, लेगहॉर्न इज एन इम्प्रूव्ड ब्रीड ऑफ चिकन, ऑब्वियसली लेगहॉर्न चिकन का ही ब्रीड है जी, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, और क्या हो गया, तो ये वाला याद रहेगा। बस इसमें क्या हो गया, तो आप ऑल ऑफ देम मार सकते हो। ऑफन यूज टू रिफर टू द मीट ऑफ ओनली बर्ड्स, बर्ड्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए Zn2+। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म द पायनियर कम्युनिटी ऑफ द हाइड्रार्क, ये पायनियर कौन था, फाइटोप्लैंक्टन थे, वेरी इजी लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। द ईग्रेट्स याद है, ईग्रेट्स कैटल के ऊपर रहती है जब ग्रेस करते समय, तो उनका क्या फायदा होता है ईग्रेट्स का बताइए। तो ईग्रेट्स का फायदा होता है कि भैया वो जो है ना कीड़े खोजने नहीं पड़ते, वो जो रन करते हैं तो मिल जाता है वहां से, आंसर भी कम से लजम। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके नाउ करते हैं नेक्स्ट, आ गया कि आ जाइए। ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द सेमिनिफेरस एपिथीलियम, कल क्या है, सेमिनिफेरस एपिथीलियम इज ट्रू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होता, चलिए बताइए। तो इसमें देखो ध्यान से, अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, सेमिनिफेरस एपिथीलियम क्या बोल दिया ना, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का लाइनिंग, ठीक है, लाइनिंग बोला गया है, ये याद रख लीजिएगा। इसमें इसमें सर्टोली से लगे हुए रहते हैं। अब इसमें एक चीज का है ना आपको बताना, एक्सेप्ट बिफोर प्यूबर्टी इट कंटेन्स स्पर्माटिड, नहीं, हमारा जो है ना स्पर्माटोजेनेसिस प्यूबर्टी में ही होता है स्टार्ट, याद रखिएगा। स्पर्माटोजेनेसिस लड़कों में यही कहानी है ना, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ओके फाइंड द मिसमैच पेयर, अब आपको मिसमैच पेयर बताना है जी। मिसमैच इसमें पूछा गया फिजिकल बैरियर, ओके म्यूकस कोटिंग ओके ऑफ द एपिथीलियम लाइनिंग ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ओके ये तो सही बात है। फिजियोलॉजिकल एसिड है, ये भी सही है। सेलुलर पीएमएनएल लिख दिया, न्यूट्रोफिल साइटोकाइन बैरियर, सलाइवा इन द माउथ, ये गलत लाइन है, साइटोकाइन ये गलत लाइन लिख दिया गया है। ठीक है, साइटोकाइन लाइक इंटरफेरॉन हो सकते थे, आईएफएन बोल सकते थे आप, तो ये गलत है, याद रखिएगा। और सलाइवा फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है। हाउ मेनी ऑफ द क्वेश्चन पूछ दिया गया, क्या पूछ रही थी, हाउ मेनी ऑफ द डॉटर सेल्स ऑब्टेंड फ्रॉम ए मेगास्पोर मदर सेल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ मोनोस्पोरिक, हाउ मेनी ऑफ द डॉटर सेल ऑब्टेंड फ्रॉम द मेगास्पोर मदर सेल रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ मोनोस्पोरिक एम्ब्रायोसाइट, मतलब पॉलीगोनम टाइप, याद है वो ऐसा कुछ ड्राइंग रहता है, उसमें आपको चार दिखते हैं, चार, 1, 2, 3 और 4, जो ये बच गया ये वाला क्या हो जाता है, ये सेलेक्ट होता है, तो आंसर विल बी नंबर 1, पॉलीगोनम टाइप। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए गाइस इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार, बहुत मेहनत से अरेंज किया हूँ ये सब पेपर्स को ऐसे ऐसे करके। ये वाला जो ड्रॉइंग दिया गया आप, तो इसमें एबीसी आइडेंटिफाई करना, ये यूनिपोर्ट बोल रहे हैं, डेफिनेटली यूनिपोर्ट, ठीक है, ये वाला तो यूनिपोर्ट हो रहा है ना, और इधर पे क्या हो जा रहा है, देखो ध्यान से अगर मैं आपको बोलूं, इधर पे क्या हो जा रहा है, यहाँ ऐसे जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन आ रहा है, तो इसको क्या बोल सकते हो, एंटीपोर्ट बोल सकते हो, तो आंसर भी नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71, द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन विच द एनिमल एक्सक्रीट यूरिया, यूरिया को क्या बोलते हैं, यूरियो, यूरियो, यूरियोटेलिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ठीक है, इंडस्ट्रियल मेलानिज्म इज एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियल मेलानिज्म, ये भी अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को। ये क्या कर दिया, सराउंडिंग्स के साथ प्रोटेक्टिव रिजेम्बलेंस, जिससे कि वो बच जाए, है ना, ये वाली कहानी है। चलिए आई गेस आपको एग्जांपल याद आ रहा होगा, बिस्टन बिटुलेरिया और बिस्टन कार्बोनेरिया, है ना, याद आया। तो चलिए 73 करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, करेक्टली मैच्ड आपको बताना है यहाँ पे। ओके आ जाओ, PBr322 क्या है, ये तो प्लाज्मिड है, लाइगेज को बोलते हैं मॉलिकुलर ग्लू, याद आ रहा होगा। ओके और क्या है जी, तो इसमें करेक्ट क्या हो गया, आई गेस आपको समझ ही आ गया होगा, पहले ही समझ आ गया कि आंसर हो जाता है लाइगेज। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी। द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन इन्वॉल्व्ड इन द कंडीशनल, कंडीशनल बोल दिया, देखो ये कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन के लिए ना एक लाइन याद रखना, DCT डिपेंड करते हैं, लाइक बोलते हैं फैकल्टेटिव भी बोलते हैं उसको। आगे द सीरियल अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, द सीरियल अरेंजमेंट ऑफ टैक्सॉन, हायरार्कियल ऑर्डर बोलते हैं, हायरार्की होता था। चलिए द हार्मोन इंसुलिन, ओके उसको प्रोसेस करके आप मैच्योर बनाते हो, कैसे, ओके रिमूवल ऑफ सी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड हटा देते हो, लेकिन जब आप जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनाते हो ना इसको, उसमें आप सी पेप्टाइड बनाते ही नहीं हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। द ग्रीन एल्गे यूज बाय एंजेलमैन, एंजेलमैन ने क्या यूज किया था, आई गेस सब बच्चों बच्चों को याद होगा, क्लैडोपोरा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच, पैनक्रियास लार्जेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, ओके और क्या लिखा है, लार्जेस्ट कौन सा होता बताइए कि क्या होता था, और एंटीजन एंटीबॉडी लिख दिया, और क्या लिख दिया, थायरॉइड से गोइटर, एंजाइम से सबस्ट्रेट, तो इसमें क्या मैचिंग हो जाती है बताइए, लार्जेस्ट कौन सा हो जाता है बताइए, लिवर होता ना यहाँ पे, वही तो बोला यार, थोड़ा फोकस करने का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इन द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन एस्कोमाइसिटिस आर इंक्लूडेड इन, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या, ओके माइसी देख लिया तो माइको आ गया, माइको मतलब तो उधर फंगस के तरफ चल गया। नेक्स्ट करते हैं जी, एप्रिकल डोमिनेंस इन हायर प्लांट इज ड्यू टू, एप्रिकल डोमिनेंस किसके कारण है गाइस, ऑक्सिन, ऑक्सिन याद रखिएगा, एप्रिकल,
Now, अब आता है regeneration of the plant cell to give rise to a new plant is called as क्या होता है न्यू प्लांट बनाना है तो टोटिपोटेंसी बोलते हैं टोटिपोटेंसी चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट द एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ एंड ऑफ द जुवेनाइल फेज जुवेनाइल फेज मतलब ऑब्वियसली बचपन खत्म हो तो क्या आ जाएगा यार बिगिनिंग उसके बाद क्या हो जाएगा रिप्रोडक्टिव फेज इजी है इजी चलिए ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल देखो ईच टेस्टिकुलर लोब्यूल हैज कितना ईच टेस्टिकुलर में आप लोग दो से तीन ऐसे बनाते हो ठीक है मतलब एक से तीन चलता है तो आंसर क्या हो जाता है आप खुद बताइए जी आंसर हो जाता है एक से तीन सेमिनिफेर ट्यूब्यूल तो टोटल कितना हो जाएगा और तुम्हारे पास लोब्यूल कितने हैं टेस्टिकुलर 250 तो 250 इंटू ऑलमोस्ट तीन मतलब 750 अगर आपको बोलूं जी कि 500 से 750 आपके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है तो ये सही बोल रहा हूँ यस चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ क्वेश्चन करते हैं जी आ जाइए एक और क्वेश्चन हो जाए मैक्सिमम बायो कंसेंट्रेशन ऑफ पेस्टिसाइड रेसिड्यू यूजुअली फाउंड इन बर्ड्स दैट एक्सक्लूसिवली फीड ऑन बर्ड्स कहाँ पे जी वेरी इजी फिश पे जो खाती है फिश खाएगी ये तो बायो मैग्निफिकेशन की कहानी है क्वेश्चन नंबर 85 करते हैं जी जल्दी से थोड़ा सा और बाकी आ जाइए ये वाला ठीक है चलिए इसको फोकस करते हैं ओके इसमें क्या बोला विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल आर करेक्टली मैच्ड विद देयर टू कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल फीचर टू कैरेक्टरिस्टिक मॉर्फोलॉजिकल कोलंबा और इक्वस भाई देख कोलंबा बोल दिया और बैलम्फेरा बोल दिया क्या बोल दिया डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड लिखा और क्या लिखा पोइकिलोथर्मल लिख दिया ओके चलिए अब इसको एलिमिनेट करिए जी क्या हो जाता पहला एलिमिनेट करोगे क्या बताइए तो क्या एलिमिनेट करते आप कोलंबा लिख दिया क्या हो जाता कोलंबा तो आप समझ रहे हो पिजन की तरफ जाता इक्वस आई गेस घोड़े की तरफ समझ रहे हो बैलम्फेरा बैलम्फेरा क्या होता है याद आ रहा है इसमें का मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या हो जाता आप बताइए आई गेस आप एलिमिनेट कर चुके होगे अभी तक आप एलिमिनेट कर चुके होगे कि पोइकोथर्मस होते या नहीं होते ठीक है उसके बाद क्या लिखा है जी आप थोड़ा सा और फोकस करिएगा ओके हल्का सा लाइक बोलता है मैं ज्यादा आपको फोकस ही नहीं करवाता ओके टेरोपस पैवो मैक्रोपस एंड ओके पिस्टाकुला फोर चेम्बर डाट एंड होमियोथर्मी क्या है ये सारे बर्ड आ रहे हैं बर्ड आ रहे हैं क्या आ रहे हैं क्या बताइए जी इसमें कौन कौन से बर्ड ये तो दिमाग लगाने का फोर चेम्बर डॉट होता है ना एप्स की तरफ याद आ रहा होगा तो आंसर हो जाता है ये करेक्ट और एस्करिस बुचरेरिया फेरेटिमा सीडोसिलोमेट एंड मेटामेरिज्म कहाँ पे एलिमिनेट करते इसको आप खुद बताइए सीडोसिलोमेट वाले में कहानी में आप एलिमिनेट कर सकते हो यार ओके हल्का सा दिमाग लगाने का कि जैसे बोल दिया सीडोसिलोमेट फेरेटिमा लिख दिया और सीडोसिलोमेट सही होता है क्या ये खुद सा नॉलेज लगाइए यही तो होता है देखिए एस्करिस तो ठीक है मैंने मान लिया कि हाँ चलो सीडोसिलोमेट आता फेरेटिमा क्या होता कहाँ बिलोंग करता है एनिलीड्स की तरफ जाता ना तो क्या हो जाता है आंसर उसके बाद उसके बाद डेंटेलियम ऑक्टोपस एपिस और बॉम्बेक्स ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डॉर्सल नर्व कॉर्ड खुद एलिमिनेट कर सकते हो उसमें मेरे को टाइम ही नहीं लगेगा आपको एलिमिनेट करने में खुद एलिमिनेट करिए आंसर निकाल दोगे आप कि हाँ सौरभ भाई ये आंसर हो जाता यही चीज है जो आपको समझने के लिए इंपॉर्टेंट है ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट पेयर आर्थराइटिस बोल दिया आर्थराइटिस डिक्रीज बोन मास और क्या लिखा गया है डिक्रीज बोन मास लिख दिया आर्थराइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाता जॉइंट उसके अंदर क्या डायबिटीज मेलिटस में तो मेलिटस मतलब मीठा मिठा मिठा मतलब इंसुलिन याद रख लेने का बस ऐसे याद रखना चलो एंजाइना मतलब चेस्ट पेन ही होता है एक्यूट चेस्ट पेन ये करेक्ट है एम्फाइसीमा इन्फ्लेमेशन तो ब्रोंकाई गलत लाइन है इन्फ्लेमेशन इसमें क्या हो जाता है भाई इसमें तो आपके एल्वेलर लाइंस एल्वेलर का एपिथीलियम डैमेज होता है ना चलिए आइए 87 करते हैं एंथ्रोजॉइड ऑफ बोथ फनेरिया एंड टेरिस बोथ फनेरिया एंड टेरिस वर रिलीज टुगेदर नियर द आर्चिगोनिया ऑफ टेरिस ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्चिगोनिया ओके एज टेरिस आर्चिगोनिया रिलीज केमिकल ऑब्वियसली ना टेरिस का आर्चिगोनिया जो केमिकल रिलीज करके उसके कारण ही अट्रैक्ट होगा स्पर्म्स याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जल्दी से डायनोसिया मे हैव मोर देन वन पिस्टिल सच कंडीशन भैया पिस्टिल ज्यादा है ना पिस्टिल ज्यादा तो उसको क्या बोलते हैं आप खुद बताइए मल्टी कार्पेलरी बोलेंगे ऑब्वियसली ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जी जल्दी से ओके अब आया जी क्वेश्चन इनकरेक्ट आपको चूज करना आपको क्या चूज करना इनकरेक्ट ओके लार्ज होल इन द स्विस चीज बिकॉज ऑफ CO2 प्रोडक्शन सबको पता है प्रोपाइनोबैक्टीरियम शर्मानी की तरफ जा रहा है प्रोटीएस पेक्टिनेस टू क्लैरिफाई द बॉटल जूस ये भी सही बात है मेरे को पता है ना आपको भी पता होगा पेनिसिलियम वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लोरे अब ये क्या हो गया डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग फ्लोरे ये लोग क्या किए थे ये लोग इंप्रूव किए थे उधर की तरफ ठीक है तो ये लाइन याद हो गया फ्लेमिंग होता है यहाँ पे और क्या होता था इन माइक्रोराइज फंगजाई हेल्प इन एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट ये सही लाइन था चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं जी जल्दी से एंड गाइस ये वाला ऐसे लिखना पड़ा कि क्वेश्चन मिस हो गया था व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हिच वन इज अ पॉलीमर सुक्रोज तो नहीं होगा ऑब्वियसली जी डाइसैकेराइड आ रहा है फ्रुक्टोज भी नहीं होगा मोनोसैकेराइड लैक्टोज क्या हो जाता है बताइए लैक्टोज भी नहीं होता आंसर भी ग्लाइकोजन याद रख लेने का ये छोटा सा लाइन है मेन स्टोरेज पॉलीसैकेराइड होता है एनिमल में सो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद लगी हो तो आप लाइक करिए और अगर आप ऐसा कंटेंट चाहते हैं तो डेफिनेटली बताइएगा हम और ट्राई करेंगे आपको प्रोवाइड करने का थैंक यू सो मच एंड कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग थैंक यू